ये का कहां गए हमारे दोनों सिपाही जिनको हमने देवी दास से मिलने भेजा था? आसमान निकल गया, जवाब दो। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? हमें मजा नहीं आ रहा है, हमें मजा नहीं आ रहा है। और जब हमें मजा नहीं आता, हम बहुत हो जाते, हम बहुत खतरनाक हो जाते। कहां गए हमारे दो सिपाही? जवाब दो। हुजूर, विनायक, तुम बोलो। हुजूर, खबर मिली है कि उदय सिंह ने देवीदास का कत्ल कर दिया। हुजूर, वो उसके बेटे प्रताप को पता चल गया था कि देवीदास हमारे लिए काम करता है। उसी ने अपने वालिद को बताया और उदय सिंह ने देवीदास का कत्ल कर दिया। हुजूर, देवीदास मरा प्रताप की वजह से? हमारे दो सिपाही गायब हुए या फिर मारे गए? इसका मतलब ये हुआ कि उदय सिंह के सर से ही काम नहीं चलेगा। उदय सिंह के कटे सर के साथ प्रताप का भी सर चाहिए। जब तक प्रताप का सर नहीं मिल जाता, मजा नहीं आएगा। आप यहां से चले जाइए बाबूजीराज, अन्नदाता सचमुच बहुत गुस्से में है। बाबूजीराज, ये सही है कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं और मैं आपका एक साधारण सा सेवक, मगर भूल चूक माफ हो, मैंने सदा आपको अपने बच्चों सा माना है। महाराणा उदय सिंह ने शम्स खान के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। लीजिए प्रताप, अपना मुंह पोछ लीजिए। कुंवर जी, आज हमने आपके दाजीराज के आंखों में पहली बार आपके लिए गर्व के भाव देखे हैं, लेकिन आज हम अपनी आंखों में ही गिर गए। मासा, कितना चाहते थे दादा हमें, आज आपने अपनी भावनाओं से अलग रहकर देशहित के लिए जो भी किया, यही बात एक साधारण राजा को असाधारण राजा बना सकती है प्रताप, एक साधारण व्यक्ति को कृष्ण सा योगी बना सकती है। सभी नातों संबंधों को जानते हुए भी जब आप मात्र मेवाड़ के हित को ही अपना हित समझ लेंगे, फिर कोई शत्रु मेवाड़ को गुलाम नहीं बना पाएगा। गीता में कृष्ण ने यही तो कहा था अर्जुन से, माना तुम्हें बंधु बांधवों से लड़ना है, पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम्हें किससे लड़ना है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें सत्य के लिए लड़ना है। आपको भी प्रताप मेवाड़ के लिए लड़ना है, यही आपका कर्म है और यही आपकी पहचान।
कल सुबह तक हो जाएगा। किले के उस हिस्से की दीवार भी बहुत कमजोर है, उसकी मरम्मत के लिए लोग दुगने कर दो। हुकुम। तोपों के गोलों की संख्या भी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन सावधानी से। ये सारा काम रातों रात चुपचाप। हुकुम। किले के लिए पानी, रसद और अनाज का भंडारा, इन सब का क्या हो रहा है? किले की सभी बावड़ियां और कुओं को साफ सफाई करके उनको गहरा कर दिया गया है, और अनाज के भरे गोदामों में इनका काम भी जोरों से चल रहा है। और एक बार अगर इस किले का भंडारा भर गया तो 3 साल तक हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत अच्छी। हुकुम। महाराज, शम्स खान इधर ही आ रहे हैं। सबसे कहिए कि काम रोक दे और कोई भी आना जाना है। जी हुकुम। चलिए सब लोग काम रोक दीजिए, जल्दी। अपने आगमन की सूचना नहीं दी शम्स खान। सूचना यानी कि खबर? हाँ, खबर नहीं दी आप। खबर करके आते तो क्या करते आप? हमारी हमारे इस्तकबाल में इन राहों पर फूल बिछाते या फिर इधर छिड़कते आप? क्या करते आप? चलो एक काम करते, हम वापस जाते हैं और फिर खबर करके आते हैं। तब तक आप अपनी तैयारियां पूरी कर ले। अपने आने की वजह बताओ शम्स खान। जंगल में कुछ खो गया है हमारा, हमारे 2 सिपाही। कुछ मालूमात है आपको? जब जंगल में जाने से आपके सिपाही खो जाते हैं तो उनसे कहिए कि जंगल में ना जाएं। मेवाड़ के जंगली जानवर अपने शत्रुओं को सूंघ कर पहचान लेते हैं। अपने लफ्जों में छुपा के क्या बेहतरीन हिदायत दिया आपने भाई, वाह, बहुत खूब। इन बोरों में क्या? जानवरों के लिए चारा होगा। ये तो इंसानों का चारा है। पूरी रियासत के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं आप, लेकिन क्यों? हमने तो आपकी रसद बंद नहीं की। कहीं आपके मंसूबे तो नहीं है हमारा दाना पानी बंद करने के? अच्छा, शायद कोई दावत होगी आपके यहाँ, है ना? हमारे सिपाहियों की कोई मालूमात हो जाए तो खबर जरूर कीजिएगा। राणा जी की जय। शम्स खान अपने लापता सिपाहियों की जानकारी हासिल करने नहीं आया था यहाँ। ये आप क्या कर रही है मासा? प्रताप, अभी तक सोए नहीं आप?
मासा, हमें आभास हो रहा है कि चारों ओर कुछ चल रहा है। दाजीराज युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। इतना परेशान हमने आपको पहले कभी नहीं देखा मासा। क्या दाजीराज पर, हम सब पर कोई संकट आने वाला है? वातावरण में डर सा क्यों है मासा? डरना तो अच्छी बात नहीं है ना। यहाँ आइए, हमारे पास आइए। प्रताप, थोड़ा बहुत डर भी ठीक ही होता है। डर हमें सजग बनाता है। संकट एक सच्चाई है और डर हमारे मन का चुना हुआ भाव। इस जीवन में हम सभी एक ना एक बार मरने से पहले मृत्यु का सामना करते हैं, और पता है तब हम क्या कहते हैं अपनी मृत्यु से? आज नहीं, बिल्कुल ठीक। और आपको विश्वास रखना होगा कि आपके प्रियजन भी मृत्यु से नेत्र मिलाकर उससे यही कह पाए कि आज नहीं। और मासा, मृत्यु ये सब सुन के भी उन्हें ना छोड़े तो? अपने दाजीराज के पुरुषार्थ पर विश्वास रखो प्रताप। मासा, यदि इस विजय में वे और उनके सैनिक कहीं वीर गति, यदि ऐसा हुआ तो वे अमर हो जाएंगे। हमारे विचारों में, हमारी यादों में, हमारे इतिहास में। याद रखिए प्रताप, ये युद्ध आपका नहीं है, आपके दाजीराज का है। पर समय आएगा जब आपको भी अपना युद्ध लड़ना होगा। जब तक ये समय ना आए, आपको सब कुछ देखना है, समझना है। और याद रखिए, बिना किसी तनाव के। और आप क्यों तनाव में है फिर? क्या ये युद्ध आपका भी युद्ध है मासा? गणी हुकम। अम्मा गणी महाराज, यहाँ आते हुए आप लोगों को किसने देखा तो नहीं? नहीं हुकम, हम सब आते समय पूरी तरह सतर्क थे। आप सभी सामंतों को यहाँ इस आपात बैठक के लिए इसलिए बुलाया गया है ताकि हम आपसे चिंताजनक समाचार साझा कर सकें। शम्स खान को हमले की तैयारियों के बारे में पता चल चुका है। अब युद्ध अटल है। रावत जी, हमारे पड़ोसी राज्य मालवा, ग्वालियर एवं जैसलमेर कब तक सहायता पहुंचा रहे हैं? हमारे पड़ोसी मित्र राज्यों को संदेश भेजे जा चुके हैं हुकम, और वो हमारी सहायता के लिए तैयार भी हो गए, किंतु उन्हें अभी यहां तक पहुंचने में कुछ दिनों का समय लग जाए। ये समाचार अच्छा नहीं है। अगर शम्स खान ने सहायता आने से पहले आक्रमण,
हम पीठ नहीं दिखाएंगे। हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि युद्ध अवश्य होगा। अगर शत्रुओं के पास सैन्य बल है तो हमारे पास आत्मबल है। उनके शस्त्रों के सामने हमारे हौसले कम नहीं पड़ेंगे। लड़ाई तो हम अवश्य करेंगे, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो हम ताका के लिए भी तैयार हैं। इससे पहले कि शम्स खान के खबरी हमारी इस बैठक को भांप लें, आप सभी सुरक्षित यहां से निकल जाइए। हाँ, युद्ध तक अब किसी से भेंट नहीं होगी। आप सभी से हमारा संपर्क रावत जी के माध्यम से होगा। अब हम रणभूमि में ही मिलेंगे। एकलिंगनाथ जी की जय। एकलिंगनाथ जी की जय। ये मेवाड़ राजवंश हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको साका का अर्थ बताने का प्रयास नहीं कर रहे, किंतु आपको ये याद दिलाना अनिवार्य है कि जब साका का निर्णय लेकर राजपूत करो या मरो की स्थिति में रणभूमि की ओर बढ़ते हैं तो अक्सर वो युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध होता है। निसंदेह ताका हर क्षत्रिय के लिए गर्व की बात है, किंतु ईश्वर के लिए आप ताका में सम्मिलित होने का विचार त्याग है, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस युद्ध का परिणाम हमारे विरुद्ध जा सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ हो गया तो इस मेवाड़ राज्य का ध्यान कौन रखेगा? रावत जी, अभी कुछ ही पहर पहले आपने कहा था कि हमारा उत्तराधिकारी तैयार हो चुका है। हुकम, प्रताप तो अभी बहुत छोटे हैं। उनके मार्गदर्शन के लिए आप हैं ना? और हाँ रावत जी, अब चाहे जो भी हो, मेवाड़ अनाथ नहीं होगा। चलते हैं। जली मशाल, मैंने देखा अपने सोए हुए सुरमाओं को। तुम्हें पता है जब तुम सब घोड़े बेच के सो रहे थे, तुम्हारा सरदार राजपूतों की फिक्र में जाग रहा था। बैठे रहो, बैठे रहो, उठने की कोई जरूरत नहीं है, बैठो। अच्छा, एक बात ईमान से बताना, तुम में से किसी ने मेरे आने की आहट सुनी? किसी ने मुझे मशाल जलाते हुए देखा? नहीं सरदार। ठीक इसी तरह उदय सिंह चुपचाप हम पे हमले के मंसूबे बना रहे हैं और हमें खामोशी के साथ
उसके मंसूबों पे पानी फेंकना, हमें अचानक गफलत में उसे पकड़ना है, जैसे मैंने तुम्हें पकड़ा। वो हमले की तैयारी कर रहा है। हम जंग की तैयारी करेंगे, है ना? अब जाओ सर, जाओ। अब आएगा मजा। ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। कुंवर प्रताप के द्वारा राणा उदय सिंह को जब ज्ञात होता है कि उनका प्रमुख सेवक देवीदास ही शम्स खान का गुप्तचर है, तो वो प्रताप की आंखों के सामने उसे मृत्युदंड देते हैं। अपने अंतर्द्वंद में फंसे प्रताप को रानी जयवंताबाई के शब्द उन्हें मातृभूमि के प्रति उनके दायित्व को याद दिलाती है। दूसरी तरफ राणा उदय सिंह अपने सलाहकारों के साथ अपने किले और आर्थिक परिस्थितियों का निरीक्षण कर रहे होते हैं, तभी शम्स खान वहां आकर सबको अचंभित कर देता है। परिस्थितियों का सही आकलन कर राणा उदय सिंह चुंडावत सरदार को युद्ध की तैयारी हेतु पड़ोसी राज्य से सहायता लेने का निर्देश देता है। उधर शम्स खान भी समय की रफ्तार को समझ अपने सैन्य बल बढ़ाने का हुक्म देता है। अब आगे सौ पहले जो त्याग बलिदान और वीरता आपने दिखाई थी, समय आ गया है कि मेवाड़ फिर से वही त्याग बलिदान और वीरता देखे। किले की सभी स्वाभिमानी रानियों को अपना आशीर्वाद दीजिए मासा। रानी सा मेवाड़नाथ पधार रहे हैं, मेवाड़नाथ इधर ही पधार रहे हैं। आप लोग शीघ्र ही जाइए। जाइए बटियानी जी, अपनी शैया पे जाके आराम कीजिए। हुक्म है। हमें महारानी जयवंताबाई के पास किसी विशेष कार्य से जाना है, इसलिए आज हमारी प्रतीक्षा मत कीजिएगा। और वैसे भी ऐसी हालत में आप जितना आराम करें उतना आपके लिए अच्छा है।
और पता है क्या कहा उस सिपाही से राणा सांगा ने? कुंवर जी सो गए क्या? राणा सांगा ने कहा कि तुम शूरवीर के शरीर को मिटा सकते हो, उनकी आत्मा को नहीं। शूरवीर तो मर के भी अमर होते हैं। जुग जुग जियो कुंवर जी। महारानी सा मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। राणा जी इस समय यहाँ? आज कुंवर प्रताप ने बहुत बहादुरी का काम किया। कुंवर आपके ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं हमको। महारानी जयंताबाई जी, राजकाज की परिस्थिति से तो आप परिचित हैं और बाकी की गतिविधियों से आप अवगत होंगे। अनुमान तो लगा ही सकते हैं हमको। इस राज्य की सभी महिलाओं के लिए आप एक आदर्श, और आज आपके सामने वो घड़ी आ गई जब आप इस कुल के बलिदानों की परंपरा को आगे बढ़ें, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाएं और इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। हम राजपूत हैं हुकुम। अपने जन्म से ही हम मातृभूमि के ऋण को समझने लग जाते हैं। अब चिंता मत कीजिए, हम हमारा क्षत्रिय धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और औरों को भी उसे निभाने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे कम की अपेक्षा हम आपसे रख भी नहीं सकते महारानी जयंताबाई जी। सभी को तैयार कीजिए जौहर के लिए। राणा जी आप अपना धर्म निभाएं, हम हमारा निभाएंगे। हम इसी समय इसकी तैयारियां आरंभ करवाते हैं, पर बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने हुकुम? उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, चलते हैं। जौहर, इस शब्द में बहुत डरावनी भावना उत्पन्न हो रही है। हमें इसका अर्थ पता करना होगा हर हाल में। हे धर्म वाली धरती
गणी कमसो, इतनी सुबह सुबह बुलावा, अभी तो राज जैसा ही लग रहा है। बोर हो चुकी है सोम, आपने आने में देर कर दी है। सोम, हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। ओहो सोम, ये सोने का समय नहीं है, अपनी आंखों को पूरी तरीके से खुली रखने का समय है। सो कौन रहा था बाबूजी राज? मैं तो ध्यान कर रहा था। ध्यान? हाँ हाँ, जानते हैं हम आपका ध्यान। अब ध्यान से हमारी बातें सुनिए सोम। हुकुम। कल रात हमने रानी माँ और दाजी राज के बीच एक बहुत ही भयानक बात सुनी है सोम। भयानक? क्या? जंगल में जो बड़ा शेर घूम रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे महाराणा सा और महारानी जी? नहीं सोम, वे शेर की बातें नहीं कर रहे थे, वे राजपूतों के गौरव की बातें कर रहे थे, क्षत्रानियों के धर्म की बातें कर रहे थे और जौहर। हाँ, वो जौहर की बातें कर रहे थे। हमें बार बार यही प्रश्न सता रहा है सोम कि दाजीराज और रानी मासा आखिर क्या बातें कर रहे थे, और इसका उत्तर ढूंढने में आप हमारी मदद करेंगे ना सोम? बाजीराज, सुबह सुबह बुलाकर क्यों मरवाने की बातें कर रहे हैं? मैं कोई गुप्तचर थोड़ी हूँ। अगर मेरे पिताजी को ये बात पता चली ना तो वो मुझे अवश्य दंडित करेंगे। और अगर आपने हमारी सहायता नहीं की तो हम आपको अपने साथ आखेट पे जंगल नहीं ले जाएंगे सोम। सोच लो। ठीक है बाबूजी राज, बताइए क्या करना होगा। सोम, पता करो कि रानी माँ के मन में क्या चल रहा है, वे क्या करना चाहती है। ठीक है हुकुम, लेकिन अब मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ? बिल्कुल नहीं। अच्छा सोम, आपको पता है जौहर का मतलब क्या होता है? कौन? महारानी सा, आप यहाँ? हुक्म कर देते मैं आ जाती आपके पास। गिरजा था, हम अंदर आ जाएं। पूछ के क्यों पाप चढ़ा रही है एक दासी पे महारानी सा? भले पधारो आ। महारानी सा, पूछने का अपराध क्षमा हो तो एक बात पूछूं। वो समय आ गया कि अम्मा रानी सा? हाँ गिर जाता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं जौहर चौक की चाबी निकलवाने। सोते जागते मैं तो केवल एक ही माला जप रही थी, एक लिंगनाथ जी की। ये जो थोड़ी सी उम्र बची है इसमें मुझे जौहर चौक के
वो दृश्य फिर ना देखने पड़े, वो हाहाकार, वो चीत्कार नहीं महारानी सा। दृश्य भले ही भयानक है गिरजादा, पर उद्देश्य गौरवशाली है। कितनी सौभाग्यशाली हैं आप जो आपको मेवाड़ी क्षत्राणियों की वीरता, गौरव और स्वाभिमान के अध्याय का हिस्सा बनने का इसी जीवन में दोबारा सुअवसर मिल रहा है। जाइए, चाबी लाइए। लिंगनाथ जी, हमारे मेवाड़नाथ और हमारी सेना को विजयश्री का आशीर्वाद दे। विजयश्री का आशीर्वाद। चलिए दाई माँ। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। भाऊजीराज, सोम, पता चला कहाँ है रानी माँ? नहीं, आपने कहीं रानी माँ को देखा है? मैंने महारानी सा को महल के पूर्वी भाग की ओर अभ्यास मैदान की ओर जाते देखा है। भाऊजीराज, भाऊजीराज, बाऊजीराज पुकारते क्यों नहीं आप महारानी सा को? नहीं सोम, मासा जो भी कर रही है हमसे छिपा के कर रही है, हमें भी छिपके इसका पता लगाना होगा। दादा भाई आइए और हमारे साथ तीरंदाजी की प्रतियोगिता कीजिए। नहीं भाई शक्ति, इस समय नहीं। क्यों दादा भाई, हमसे मुकाबला करने में डर लगता है आपको? डर नहीं, ये बात नहीं है, हमें मासा से मिलना है अभी। वाह दादा भाई, हमारी चुनौती छोड़कर भाग रहे हैं। बस अब तो खुश।
यहाँ तो नहीं है महारानी जी। उस कक्ष की ओर क्यों जा रही है रानी माँ? वो तो जौहर चौक के नाम से जाना जाता है और कई वर्षों से बंद पड़ा है। इस पात्र में छिपकर भीतर जाना होगा। आप कुछ क्षणों के लिए इन दासों का ध्यान रखना है। ठीक है भाऊजी राज, जैसी आपकी आज्ञा। घोड़े पे बैठे शमशीर हाथ में लिए निकले, टक चक टक चक टक चक टक चक टक चक, और जान गंवा के आ गए। अब तो मजा ही नहीं आया है। हुजूर, आप बेफिक्र रहिए, हथियारों का ऐसा जखीरा और इसके साथ 8,000 जावाज जंगजू सिपाहियों की फौज, उदय सिंह को हम एक बार नहीं बल्कि 1,000 बार शिकस्त दे सकते। 1,000? हजार शिकस्त नहीं, एक ही काफी है। उदय सिंह, बाबू जी, क्या हमारे पास बस इतने ही अस्त्र और शस्त्र हैं? जी महाराज, पड़ोसी मित्र राज्यों से सेनाएं निकल चुकी हैं, पर उन्हें मिलाकर भी शत्रु के मुकाबले हमारा सैन्य बल। मुकाबले क्या रावत जी? महाराज, शत्रु के मुकाबले हमारा सैन्य बल काफी कमजोर है, और पिछले कुछ दिनों से उशम खान अपने सिपाहियों की संख्या निरंतर बढ़ाए जा रहा है, और इस समय उसकी सेना इतनी विशाल हो चुकी है कि रावत जी, युद्ध सिपाहियों की संख्या से नहीं, वीरों के हौसलों से लड़े जाते हैं। युद्ध में जय और पराजय से अधिक महत्वपूर्ण होता है युद्ध का उद्देश्य, और हमारा उद्देश्य तो बहुत बड़ा है रावत जी।
हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। वैसे एक बात बताइए रावत, शत्रुओं की सेना और हमारी सेना में कितना अंतर है? हमारे प्रश्न का निर्भीकता से स्पष्ट उत्तर दीजिए रावत जी। क्योंकि अगर इस वक्त हमसे सच छिपाया गया तो हमारे लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है, लेकिन सच जान लेने के बाद हम अपने शत्रुओं पर निर्णायक आक्रमण की योजना बना सकते हैं। हुक्म। शत्रु का सैन्य बल हमसे लगभग 10 गुना अधिक है। जौहर कक्ष और इस पवित्र कुंड को अच्छी तरह से साफ करवा, इसे पुतवा, ये चौक विवाह मंडप जैसा सजा सवरा लगना चाहिए, इसे उतना ही पवित्र और गरिमामय बना दो जैसा ये तब था जब हमारी पूज्य राजमाता महारानी कर्णावती वर्षों पहले सभी क्षत्राणियों के साथ यहां पधारी थी। जी महारानी से। दो दिनों बाद फिर यहां एक भव्य उत्सव होगा। किसी भी कार्य में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। प्रताप, इतनी देर अंदर छुपे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। प्रताप, बाहर आ जाइए।
वो रानी माँ, हमने कल दाजी राज और आपकी बातें सुनी और हमें कौतूहल हुआ, इसीलिए हम यहाँ। कोई बात नहीं कुंवर साहब, ये सब क्या है माँ? इतना काला काला कुंड, और आप इसे दुलवा के पुतवा क्यों रही है? और माँ, जौहर क्या होता है? तैयारी आरंभ कीजिए और जाते समय द्वार बंद कर दीजिए। माँ, हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं मिलता? समय आने पर नहीं, हमें अभी जानना है। हमें बताइए माँ। प्रताप, आप माँ हमें बताइए। बताते हैं प्रताप, क्योंकि आपके लिए ये जानने का समय आ गया है। ये जौहर चौक कोई साधारण चौक नहीं है प्रताप। यूं समझे किसी रणभूमि से कम पवित्र स्थान नहीं है। इस चौक की दीवारें मेवाड़ के महान बलिदान की साक्षी हैं। इन्हें प्रणाम कीजिए प्रताप। इस पवित्र कुंड को भी नमन कीजिए प्रताप। आप जानना चाहते थे ना जौहर क्या होता है? हम आपको बताते हैं जौहर क्या होता है। राजपूत शत्राणियों की ये एक ऐसी गौरवशाली परंपरा है जिसमें शत्रु से अपने शील, अपने गौरव, अपने सम्मान की रक्षा के लिए वीरांगनाएं हंसते हंसते अग्निकुंड में कूद जाती हैं। कई वर्ष पहले इतिहास का सबसे बड़ा जौहर यही इसी चौक में हुआ था। जब तक आपके बड़े दाजीराज राणा सांगा जीवित थे, गुजरात के बादशाह बहादुर शाह की मेवाड़ की ओर आग उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। जब जब उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, आपके बड़े दाजीराज राणा सांगा ने उसे पराजित किया, पर उनके परलोक पधारते उस कायर ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण बोल दिया। उसने किले को घेर लिया और फिर महीनों तक चारों ओर से किले को घेरे हुए बैठा रहा। चित्तौड़ की रक्षा का भार आपकी वीर दादी सा राजमाता कर्णावती के कंधों पर आ गया। महारानी सा, राजपूत वीरों के सामने अब साका के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा। बहादुर शाह की सेना में असंख्य सैनिक और हम मुट्ठी पर बलिदान। मेवाड़ की धरती आपके इस महान बलिदान को सदा याद रखे। राजमाता कर्णावती, पीठ पर हुआ अपनों का ये वार सह नहीं पाए और तब
आपकी दादी साने यही इसी स्थान पर इसी कक्ष में उस अभूतपूर्व बलिदान का निर्णय लिया। का परिणाम अब निश्चित है। शत्रु किसी भी समय किले में प्रवेश कर सकता है। हमारे राजपूत बड़ी वीरता के साथ लड़े हैं और लड़ रहे हैं।
पर अब उन्होंने चरम बलिदान के मार्ग को चुन लिया है। आज हम सभी राजपूत छत्राणियों के लिए शत्रुओं के हाथों अपने आत्म गौरव को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण देने का समय आ गया है। एक लिंगेश्वर नाथ जी की।